फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने आप सभी लोगों की रैंक जारी कर दी है। अब आप सभी लोग अपनी रैंक कैसे चेक करोगे, मैं इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना और हाँ, अपनी रैंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बता देना और हाँ, कैटेगरी रैंक भी बता देना, तो मैं आप सभी को बता सकता हूँ कि हाँ, आपको कोई ना कोई कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर कमेंट करना तो अपनी कैटेगरी रैंक ज़रूर बताना कि आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है, ठीक है। इस बार जनरल और कैटेगरी रैंक दोनों दी गई है, तो आप सभी को पता होगा मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था कि आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट अभी आने वाली है। तो अभी आप सभी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, मतलब मेरिट लिस्ट क्या, इसमें आपको खुद स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर लॉग इन रजिस्टर यूजर्स क्लिक हर, यहां पर आप सभी को आ जाना है और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी को आने पर यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और नीचे कैप्चा, ये जो आपको दिख रहा है इस बॉक्स में, वो कैप्चा आप सभी को यहां पर डालना होगा, ठीक है। 7 शब्द यहां पर, 7 वर्ड आप सभी को डालना, ठीक है। तो चलिए मैं अभी डाल देता हूं और आप सभी लोगों को सही सही डालना है, अगर गलत डालोगे तो लॉगिन नहीं होगा। दोस्तों आप सभी लोग जब लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग चाहें तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट जरूर ओपन कर लेना, ठीक है, यहाँ पर ये टिक जरूर कर लेना, तभी आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप लोग टिक कर लेंगे तो ये आपका जो है पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं टिक करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जब आप लोग वहां पर डेस्कटॉप साइट ओपन करेंगे तो यहां पर एक किनारे में आपको हेल्प डेस्क देखने को मिलेगा, उसी के नीचे स्कोर कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सा इसी पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो आप सभी लोग अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। उसमें आपकी रैंक देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, पहले तो जो आपको जनरल रैंक देखने को मिलेगी, जनरल रैंक ओवरऑल रैंक होती है, फिर बाद में साइड में आपकी कैटेगरी रैंक देखने को मिलेगी। कैटेगरी रैंक मतलब आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी, एससी से हैं एससी से, पीएच हैं तो पीएच से, एसटी हैं तो एसटी कैटेगरी की, तो कैटेगरी रैंक आपकी अलग देखने को मिलेगी और जनरल रैंक आपको अलग देखने को मिलेगी। तो यहां से आप सभी लोग अपना जो है स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, जिसमें आप सभी लोगों की रैंक मेंशन है। तो जितने भी लोगों ने चेक नहीं किया है तो चेक कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फैकल्टी के जितने भी अपडेट होती हैं सारी की सारी मैं शेयर करते रहता हूं, और प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपकी जो है कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक कितनी आई है, ठीक है। तो खुशी की बात यही है दोस्तों कि फैकल्टी इस साल काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और टाइम टू टाइम आप सभी को अपडेट दे रही है, मतलब टाइम से ही सारा कुछ कर रही है, तो आप सभी का जो है एडमिशन जल्दी हो जाएगा, तो आप सभी लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी। तो जितने भी लोगों ने नहीं चेक किया कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज मैंने सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर शेयर की है, तो जितने भी लोगों ने अभी तक चेक किया है तो ज़्यादातर लोगों ने टेलीग्राम से ही चेक किया है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी न्यूज़ आती है ना तो मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले शेयर करता हूँ, इसलिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी लोग अपना चेक कर लीजिए और जल्दी से कमेंट में भी बता दीजिए कि कितना आप सभी का स्कोर हुआ है।